सरखेदाद में लॉकडाउन के बीच में दिन पुलिस व्यवस्था चौक चौबंद दिखाई दी और इस दौरान कुछ लोग सड़कों पर जरूर दिखाई दिए, परंतु पुलिस जवानों की तरफ से बार बार उनको समझाया जा रहा था कि जाके वो अपने अपने घरों पर रहे। जैसा कि पिछले 20 दिन से सरखेदाद में जो लॉकडाउन चल रहा है वो काफी सक्सेसफुल रहा है। इस दौरान पुलिस के द्वारा जनता को पूरी तरीके से जागरूक किया गया है ताकि लोग घरों में रहें और जब तक जरूरत ना हो बाहर ना निकलें। इस दौरान लॉकडाउन बढ़ाने के संबंध में सरखेदादरी DSP शमशेर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जैसा सरकार फैसला लेगी उसी तरीके से आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। यदि लॉकडाउन बढ़ता है तो उसी हिसाब से पुलिस जवानों की ड्यूटियां अलग अलग जगहों पर लगाई जाएंगी ताकि लॉकडाउन को सफल बनाया जा सके। जिला सरखेदादरी में सिक्योरिटी अरेंजमेंट लॉकडाउन शुरू होने से लेकर के और कंटिन्यू बहुत अच्छे और एक जो एडिक्वेट अरेंजमेंट हैं वो चल रहे हैं और जो सरकार एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला होगा कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू का उसके आधार पर आगे जो अरेंजमेंट्स हैं वो किए जाएंगे। वहीं व्यवस्थाओं का जायजा लेने सरखेदादरी के विधायक सोमवीर सांगवान भी रोड पर पहुंचे और उन्होंने भी सरखेदादरी DSP से मुलाकात कर पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जैसे केंद्र सरकार फैसला लेगी उस फैसले को हरियाणा सरकार भी मानेगी और उन्होंने इस दौरान कहा कि इस मुश्किल समय में सभी को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। कल जो भी सरकार फैसला लेगी इस जनता की भलाई में उसके लोगों से मेरी ये प्रार्थना है उन्होंने पालना करनी चाहिए और जो भी फैसला लेगी जनता के हित में होगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जनता की भलाई में जो भी है इसको बढ़ाने की बात करेंगे और कोई किसी प्रकार की सुविधा देने की बात करेंगे वो जो भी निर्णय लेंगे हम उनका सबको सहयोग करके महामारी को रोकने बड़ा योगदान देगा। आपको क्या लग रहा है सर कि पिछले जो 14 दिन में जो एक रोकथाम हुई है क्या आगे बढ़ाने से कहीं ना कहीं उसमें फायदा होगा या कैसा क्या लग रहा है आपको? आगे बढ़ाने से फायदा ही होगा क्योंकि इस बीमारी का और कोई इलाज नहीं है। दवाइयों से किसी प्रकार की कोई चीज़ें मिलती नहीं। ये जो कनेक्टिविटी दूर करने से इसका समाधान है तो उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली है। हमारे साथ पूरे देश में जो शुरुआत हमारे साथ जिन देशों में शुरुआत हुई आज वहाँ लाखों में संख्या पहुँच रही है। इसी के कारण माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के अपील के ऊपर देश के प्रधानमंत्री के अपील ऊपर लोगों ने अपना आदेश की पालना करी इस महामारी को रोकने में बड़ा योगदान रहा और उसी का फल है कि आज इतना होने के बावजूद भी आज पूरे देश के अंदर और दूसरे कंट्रियों के बजाय बहुत कम केसेस हैं, लगभग कंट्रोल है। सर मेडिकल इक्विपमेंट और सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार अब सरखेदादरी में क्या कुछ और कदम उठा रही है? सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हर तरह की किट की दवाइयों की हर तरह की व्यवस्था है और खाने पीने के जितने भी हमारे जो दूसरे गरीब मजदूर भाई हैं पूरे समाज के लोग सब प्रशासन सब लगे हुए हैं। यहाँ पहला जिला ऐसा है जो दायक क्षेत्र में कह सकता हूँ अधिकारी सामाजिक सेवाएं सब मिलके इस दुखी घड़ी के अंदर सब मिलके इस पीड़ा को लोगों का सहयोग करने में लोगों की मदद करने में तत्पर लगे हुए हैं और उसका रिजल्ट भी आज दादरी जिले के अंदर कोई ऐसा कोरोना कोई भी कोई केस नहीं है।